दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में अक्सर कहा करता हूं कि आप अगर अपने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दोगे डिफेंस के मामले में, तभी आप अमेरिका और रशिया जैसे देशों से आगे हो पाओगे। और दोस्तों, अगर आप अमेरिका जैसे देशों को सही तरीके से देखोगे तो उसकी यही रणनीति होती है। यानी कि दोस्तों, अमेरिका अपने प्राइवेट सेक्टर को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे देता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेता है। दोस्तों, अभी आप चाहे अमेरिका की लॉकी मार्टिन को ले लें या फिर अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी जिसका नाम स्पेस एक्स है, अमेरिका अपनी प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देता है, उनको फंड मुहैया करवाता है और दोस्तों उसके बाद उन्हीं से अमेरिका बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा लेता है, सुपर पावर का ताज भी बरकरार रखता है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर हमारे प्यारे भारत में भी प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा बहुत ही ज्यादा मिलने लगा है और अब यहाँ पे भारत की एक प्राइवेट कंपनी है, टाटा डिफेंस एडवांस सिस्टम। दोस्तों, टाटा डिफेंस एडवांस सिस्टम ने एक बहुत ही बड़ा कारनामा करके दिखाया है, क्योंकि दोस्तों टाटा डिफेंस एडवांस सिस्टम ने हमारी जो इजराइल पे निर्भरता थी उसको बहुत ही ज्यादा कम कर दिया है। दोस्तों देखिए, अभी हम लोग इजराइल से बहुत सारे हथियार खरीदते थे, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे तो इजराइल से हथियार अब कम खरीदे जा रहे हैं या फिर अब किसी देश से धीरे धीरे कम हथियार खरीदे जा रहे हैं और देश में ही हथियार बनाए जा रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों, इजराइल से एक हथियार खरीदा जाता था लाइटिंग म्यूनेशन, यानी कि दोस्तों सुसाइड ड्रोन। ये ड्रोन जो होता था बेहद ही खतरनाक और एडवांस ड्रोन है और इसे खासकर एयर स्ट्राइक में यूज किया जाता था और इस ड्रोन को अभी तक इजराइल से खरीदा जाता था। लेकिन अब यहाँ पे टाटा ने इस ड्रोन का सफलता पूर्वक परीक्षण करके ये बता दिया कि हम भारतीय भी किसी से कम नहीं। दोस्तों, अभी जल्द ही टाटा डिफेंस एंड एडवांस सिस्टम ने पोखरण में LS-50 नाम के एक सुसाइड ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। सबसे खास बात दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, ये सुसाइड ड्रोन जो है ये वर्टिकल टेक ऑफ और विंग भी कर सकता है। यानी कि दोस्तों, एक हिसाब से अगर मान लीजिए आप कितनी भी ऊंचाई वाले एरिया में हो या जंगल के एरिया में हो या फिर दो घाटियों के बीच में हो, उसके बाद भी इस ड्रोन की आप खुद ही आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग करवा सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये काफी ज्यादा एडवांस तरीके से बनाया गया है और खासकर दुश्मन के जो बंकर हैं, व्हीकल हैं, रडार सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उनको बहुत ही आसानी से ये ड्रोन मार के गिरा देगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया कि ये सुसाइड ड्रोन है, ये पूरा का पूरा ड्रोन पहले तो उस पूरे के पूरे एरिया पे निगरानी रखेगा, उसके बाद जहां पे आप इसका टारगेट फिक्स कर दोगे उस टारगेट पे जाके दोस्तों ये खुद को तो तबाह करेगा लेकिन दुश्मन के उस हथियार को भी तबाह कर देगा। ये फुल्ली ऑटोमेटिक ड्रोन बताया जा रहा है। यानी कि दोस्तों, अब हमारे भारत में भी ऐसे ऐसे एडवांस हथियार बनाए जाने लगे हैं जो कि नेक्स्ट लेवल के हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि अभी इसमें और भी कई सारे बदलाव किए जाएंगे जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा आधुनिक हो जाएगा। इसे हमारी तीनों सेनाओं में शामिल कर दिया जाएगा जिसकी वजह से दोस्तों हमारे देश की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपका क्या मानना है कि इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए? और अगर आप भी रतन टाटा जी का सम्मान करते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनके सम्मान में एक लाइन जरूर लिखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।